के किंग खान शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बीते रविवार के दिन एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते शनिवार की देर रात आर्यन खान एक पार्टी का हिस्सा बने थे। ये पार्टी चल रही थी एक लग्जरी क्रूज पर। ये क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा था और इसी पार्टी का हिस्सा बने थे आर्यन खान। जैसे ही इस पार्टी के बारे में पता चला एनसीबी के अधिकारियों को, तो अधिकारी भेष बदल कर इस पार्टी में शामिल हुए और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में देखा जाए तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं। आर्यन खान को लेकर अब तक कई राज खुल चुके हैं और आर्यन खान 7 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजे गए हैं। इसी बीच देखा जाए तो आर्यन खान मामले के बीच एक ही नाम की चर्चा हो रही है और ये नाम है एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का। जी हाँ, समीर वानखेड़े इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और इस मामले को लेकर समीर वानखेड़े का बयान भी आ चुका है। क्या कहा है समीर वानखेड़े ने, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। वेल दोस्तों, जहां एक ओर शाहरुख खान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं अपने बेटे को लेकर, शाहरुख खान एनसीबी के अधिकारियों से जुड़े रहे और पल पल की खबर लेते रहे, वहीं दूसरी ही तरफ शाहरुख की अपने बेटे से फोन पर 2 मिनट बातचीत हुई। जब एनसीबी के अधिकारियों ने फोन से आर्यन की बातचीत कराई शाहरुख खान से, उस दौरान आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े और आर्यन खान इस मामले को लेकर काफी चिंतित होते हुए नजर आए हैं, तो वहीं खुद शाहरुख भी परेशान है। ऐसे में देखा जाए तो अब इस मामले को लेकर समीर वानखेड़े ने अपना बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन खान से पूछताछ की, जिसके बाद बीते रविवार के दिन आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आर्यन खान को सोमवार के दिन कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन आर्यन को राहत नहीं मिली। आर्यन के अलावा इस मामले में अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच देखा जाए तो एनसीबी के अधिकारी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि ये मामला एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में चल रहा है। समीर वानखेड़े की टीम लगातार बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और इसी बीच देखा जाए तो समीर वानखेड़े ने बयान दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में सामने आया है कि समीर वानखेड़े ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मशहूर होने का मतलब ये नहीं कि आपको नियम तोड़ने का अधिकार मिल जाता है। ये बात समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कही है। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े ने कहा है कि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि हम बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विचारों के बारे में बात नहीं करते, अभी तथ्यों पर बात करते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े ने कहा है कि पिछले साल हमने 10 महीने में कुल 105 मामले दर्ज किए और हर महीने तकरीबन 10 से 12 मामले। अब आप ही बताइए उन 105 मामलों में से कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं? मैं बताता हूँ, मुट्ठी भर भी नहीं। इस साल हमने 310 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग केवल यही बात करते हैं। हम इस साल 150 करोड़ रुपए के अवैध पदार्थ जब्त किए हैं, क्या किसी ने इसके बारे में बात की? इतना ही नहीं, आज मीडिया आर्यन की स्टोरी चला रहा है। इससे 2 दिन पहले ही हमने 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए और देश के किसी भी मीडिया हाउस ने इस पर नहीं लिखा। पिछले हफ्ते हमने 6 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए, जिसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। मीडिया एनसीबी के बारे में तभी लिखता है जब हमारी केस में कोई बड़ा नाम शामिल होता है, तो हर कोई जो हमें देखता है उसे लगता है कि हम बड़े नामों को
चेज करते हैं और ऐसा लगता है कि हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े नाम उन लोगों का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिन्हें हम पकड़ लेते हैं। हम बस अपना काम कर रहे हैं, हम नियमों पर जोर देते हैं, वे नियम सभी के लिए समान हैं। तो ऐसे में हम उन मशहूर हस्तियों को क्यों छोड़ दें जो उन नियमों का पालन नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वे मशहूर हैं? क्या उन्हें नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार देता है? अगर हम किसी मशहूर व्यक्ति को कानून तोड़ते हुए देखें तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे केवल ड्रग तस्करों के पीछे भागना चाहिए, अकेले झुग्गियों में अपना ऑपरेशन और छापेमारी करने चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से समीर वानखेड़े ने अपने दिल की बात कही अपने बयान के जरिए। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि समीर वानखेड़े इस मामले को लेकर क्या बोले हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में एनसीबी की टीम लगातार तेजी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।